तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम माथेरान पहुंच गए हैं, तो अब हम ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। ट्रेन का तो इधर है ना टिकट? हाँ बंद है, लग रहा है ट्रेन बंद है यहाँ पर से। ट्रेन का रास्ता है और ये पैदल रास्ता है। जिनको लगती है थकान वो इधर से जाओ, जिनको नहीं लगती वो इधर से जाओ, जिनको चलने का मन हो। ये देखो वानर राज, इनकी एंट्री हो गई है। ये लोग रास्ते में ढूंढते हैं खाने पीने का सामान किसके पास मिल जाए। चलो। हाँ जी मैडम, की हाल चाल है? थोड़े थक गए इतने में? तू चश्मे का वजन ज्यादा हो रहा होगा, चश्मे का वजन ज्यादा हो रहा है। कुछ भारी भारी गाड़ियाँ आ रही हैं, हैवी गाड़ियाँ हैं, ब्रेक नहीं है इनमें। डेंजर है भाई। क्या करी तू? सामान मिलता है ना, हम लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा देते हैं, ऊपर जाते हैं डबल रेट। इसीलिए अभी आपने देखा कैसे सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऐसे ही पानी लेके जाते हैं, हर चीज लेके जाते हैं। तो इसके लिए सामान महंगा होगा। तो आपने समझिए, इनका कहना है कि ऊपर सामान महंगा इसलिए क्योंकि मेहनत ऊपर ले जाने बहुत लगती है। मेहनत, इसका पैसा वैसा तो नहीं लेंगे? फ्री है? चलो गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चिल्लर भी नहीं होंगे। हाँ, ऐसे दो साथ में होते हैं तो आदमी ऐसे ही हो जाता है। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ अभी आप मेरे जूते देख सकते हैं कैसे हैं, ब्लैक मस्त। आते समय ये बिल्कुल लाल हो जाएंगे। तो आते समय क्या करेगी तू जूतों में? ऐसा पूरी मिट्टी मिट्टी कीचड़ में जैसे सने हुए। वाह जी वाह, इसने कीचड़ में वो करना है दंगल। दंगल करने के लिए तुम लोग भाई साहब, घोड़े घोड़े आगे, घोड़े आगे, घोड़े आगे। वो सिलेंडर कैसे ले जाए जाते हैं? ये देखो घोड़े और गधे सब दिख रहे हैं मुझे। तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग अपने मतलब मैं उनकी बात कर रहा था। ये देखो इंडियन कोकिला, ये यहाँ मिलेगी। तो इंडियन कोकिला से याद आया, एक मिनट, इंडियन कोकिला से मुझे याद आया कि बता अपने इंडिया में भारत कोकिला किसे कहा जाता था? कोकिला बहन को कहता कोकिला बहन को। अरे यार दानिश कर रहा कोकिला बहन को। ये कह रही आशा ताई। भाई साहब हद तेरी की, कह रही लता ताई। यही नहीं पता तुम दोनों को भारत कोकिला का जो वो था पदवी किसे दी गई थी? ये कह रही आशा भोसले। अरे यार बताता हूँ गाइस, तो जो भारत कोकिला का उपाधि थी वो दी गई थी सरोजनी नायडू को। तो अभी अभी हमें खबर मिली है कि अभी दो तीन दिन पहले यहाँ पर दो एक कपल आए थे, हस्बैंड वाइफ थे, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया है, करा था। और जो भैया हैं उन्होंने ही निकाला था। ये थे और भी थे लोग साथ में। खो जा, हाय हाय हाय, इतनी अच्छी जगह खोएगा क्या? ना यहाँ पे कोई सहारा नहीं है तो क्या करूँ? मैच था ये, हम लोग मुझे आ रहा बिल्कुल ऐसी रेडी हो गया, फुटबॉल का मैच है, वार्म अप करवा रहे हम। नेचर कैंपिंग माथेरन, हाँ। तो हमको लग गई भूख, हम खा रहे चने, में घर से चने बना के लाया था। चम्मच रखना भूल गए, अब पत्ते से खाना पड़ रहा है। पत्ते से खा सकते हैं। तू ज्यादा खा रहा है, मुझे कम खिला रहा है। साइज भी तो छोटा ही है पर मेरा पेट बराबर है। कैसे पता दिया? मैं ज्यादा खाती हूँ, मुझे भूख लगती है। बारिश आ गई, बारिश आ गई, बारिश आ गई। तो भाई हम पहुंच गए और हम आ गए रिसोर्ट देखने, तो जल्दी से रिसोर्ट देखते हैं। अभी दूसरे होटल में आए हैं, पहले वाले होटल में जो है इनको अच्छा नहीं लगा, रूम छोटे थे काफ़ी और कंजेस्टेड सा लग रहा था, तो अभी दूसरी जगह आए हैं। और ये चने खाते हुए घोड़ा, हमारा घोड़ा चने खाते हुए फिर दूसरे रिसोर्ट में आए हैं। वीकेंड भी है एक्चुअली, तो इसलिए भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये देखा है यार मैंने, हाँ ये देखा है मैंने, मैं रूम देखूंगी। स्विमिंग पूल देखा है मैंने। रूम उधर है, रूम इधर है, उधर है। अच्छा रूम किधर है? नीचे जाना है भाई। ये होटल तो घुसते ही कैंसिल हो गया क्योंकि ये फुल था, अंदर गए तो पता चला फुल है। अब फिर तीसरे में जा रहे हैं। माथेरान आओ तो यही मेन टेंशन रहता है होटल ढूंढना, क्योंकि ऑनलाइन जो है प्राइजेस अलग दिखाता है, यहाँ आके प्राइजेस अलग होते हैं। मैं अभी बोल रही थी कि पिछले बार हमें एक महेश भैया मिले थे, एक्चुअली वो लोग नीचे ही मिल जाते हैं हमें, फिर वो हमें रिसोर्ट दिखाते हैं। तो मैं वही अभी आरव को बता रही थी कि लास्ट टाइम हमें महेश भैया मिले थे, बोला भी था कि यही हो सकता है। हाँ तो इसने बोला यही तो नहीं है, तो पूछा तो यही वाले महेश भैया, इनका नंबर भी था हमारे पास। तो भाई सच बोलते दुनिया छोटी है और गोल भी है। और गोल भी है तेरे होटो के पास, चने के मसाले लगे हैं मस्त चटपटे। छोटी भी और गोल भी है गूंज की तरह।
बहुत बुरा आदमी है ये, बहुत ही बुरा आदमी। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। है दुश्मनों की भी जरूरत होती है, है? दुश्मन की भी जरूरत होती है। नहीं नहीं, मेरे दोस्त ही काफी हैं दुश्मनी के लिए। ये है कृष्णा, लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे और अभी हमने बहुत सारी जगह रूम देखे, हमें पसंद नहीं आए हैं, तो मे बी इस बार भी शायद हम यहीं रुके। देखो चाइना का सैटेलाइट सीधे यहाँ के गिरा है, चाइना का माल। चाइना का सैटेलाइट गिरा, आज की ताजा खबर, इंडिया में चाइना का सैटेलाइट पड़ा मिला। हाँ है, बट मुझे कृष्णा ही पसंद है, तो मुझे लगता है एंड में मैं कृष्णा ही जाऊँ। फुल है, फुल है, चलो। होटल प्रीति, लास्ट टाइम हम जब आए थे तो यहाँ पर रुके थे, ये है, और इधर वाले जो ये रूम्स हैं वहाँ पर रुके हुए थे हम लोग, न्यू कृष्णा होटल। तो ठीक था, अच्छा था, और खाना अच्छा था, गूंज है ना लास्ट टाइम यहाँ का खाना टेस्टी था, मतलब जो बंदा यहाँ पर खाना बना रहा था ना, एकदम घर वाला फील था और बहुत टेस्टी बनाया था, मज़ा आ गया था। तो भैया न्यू कृष्णा में भी पूछा तो पता चला पैक है, एकदम फुल है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो इतना सीजन भी नहीं है, अभी से क्यों फुल है गूंज? वही तो, देख लोग भी नहीं अभी, इतने लोग भी नहीं है। ये है ना वीकेंड है ना, कल वीकेंड संडे है, तो छुट्टी रहती है, तो आज फ्राइडे को आ जाते हैं लोग। अच्छा, तो इसके लिए तो अभी हम जा रहे हैं होटल पैनोरामा। पैनोरामा अब यहाँ जाते हैं, देखते हैं भैया। तो हम एक पैन कर देते हैं ऐसे कर, लो यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ है पब्लिक, इतनी दिख तो रही नहीं बाहर, दिन में थोड़ी ना होटल में रहने आएंगे। रॉयल होटल, हमें रिसोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हमने सारे रिसोर्ट दिखा दिए, सारे रॉस हालत खराब हो गई, लेकिन हमने वीडियो में सारे रिसोर्ट दिखा दिए। देख ले फटाक से अंदर जा, जूते पहने, अच्छा अच्छा रूम तो देख लिया। हाँ रूम तो ये, अब हम जा रहे हैं हॉर्स लैंड होटल, और भैया बोल रहे हैं ये तुम्हें पसंद आ जाएगा फाइनली। कई जो पसंद आ रहे हैं उसमें रूम नहीं है, और जिसमें रूम थे वो पसंद नहीं आ रहे हैं गूंज को, किसी में स्विमिंग पूल छोटा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चेंजेस हैं। अब हो रहा है ये लास्ट, क्या लग रहा है ये आ जाएगा? इससे पहले वाला मुझे थोड़ा सही लगा है। फयाज का बैंक है इंडसलैंड, का बैंक नहीं है फयाज, जिसमें अकाउंट है। हॉर्स लैंड यानी कि घोड़ों की नगरी। चल चल के तो सही हॉर्स बन गए हम लोग, सही बात, अब हम घोड़े बन चुके हैं। ये आज की एक्टिविटीज इसमें लिखी हुई हैं, म्यूजिकल गेम्स, प्राइम सरप्राइजेज, हाउजी, म्यूजिक डांस, डिस्कोथेक, जिसको किताबें पढ़नी हो यहाँ के बैठ सकता है, लाइब्रेरी है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये रेस्टोरेंट है खाना वाना खाने के लिए इधर, मसाज चेयर है, ये अच्छा लग रहा है, और स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इधर है छोटे बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। कैसा, अच्छा लग रहा है? मैं तो वाइफ, तो वाइफ तो अच्छी आ रही हैप्पीनेस, और अच्छा बना रखा है, खुला खुला है, काफ़ी बढ़िया। ये देखो हमारे बंदर भाई साहब भी हैं, दानिश को दया आ रही है, चलो फिर चलो। और अभी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग डिनर, सॉरी ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग की चाय स्नैक्स वगैरह और डिनर ये सब मिलेगा। फिर गाइस अभी हम लोगों ने यही होटल जो है सही लगा हमें थोड़ा, क्योंकि एनवायरनमेंट भी अच्छा लग रहा है और थोड़ा एटमॉस्फेयर भी अच्छा लग रहा है, क्यों गूंज? हाँ थोड़ा लग रहा है, तो यहीं रूम लेते हैं और देखते हैं, रूम देख लेते हैं यहाँ का। ओह प्रभु, तो फाइनली अब जाके हमें रूम पसंद आ गया है और हमने ये वाला होटल बुक कर लिया है। अब माथेरान के आगे के ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और देखना ना भूलें माथेरान ट्रिप पार्ट 3।